गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। और यहाँ पर इस चैनल पर मैं आपको उत्तराखंड लेक्चरर तथा एलटी के लिए जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहा हूँ। और आज आपके बीच में मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगा प्रमुख शिक्षण विधियाँ, इम्पोर्टेंट टीचिंग्स जो मेथड हैं उनसे रिलेटेड होगा। इन जितने भी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो जितने भी आपके टीचिंग से एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में इम्पोर्टेंटली पूछे जाते हैं, और हर एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड हैं, न केवल उत्तराखंड में बल्कि KVS NVS जैसे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी जो है वो टीचिंग मेथड्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना, ठीक है ना। आई होप कि आपको मैं जहाँ तक मैं समझाना चाहता हूँ उसका अगर 60% 70% भी आप लोगों को समझ में आए तो इसका मतलब कि मैं ये मानूंगा कि मेरी टीचिंग काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड जो लेक्चरर है उसके अंदर प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा उसमें 40 मार्क्स का आपका सीधे सीधे टीचिंग एप्टीट्यूड आना है, ठीक है। और जिन बच्चों की जो मैथ्स और रीजनिंग वो ठीक नहीं है, जो कि 25 मार्क्स की उसके अंदर है, तो उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो यहाँ पर उस चीज़ को कवर करें, उस गैप को वो कवर करें, किससे? टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तो चाहे आप कितने भी अच्छे अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं उसका कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सबसे पहले जहाँ अपना फोकस रखिए कि प्रीलिम्स को कैसे भी अपने आपने क्वालिफाई करना है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि है प्रमुख शिक्षण विधियाँ, इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड्स। ये जो वीडियो है ये मैं दो पार्ट में लेके आऊँगा। आज मैं जो है वो कुछ मेथड्स आज बताऊँगा और कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने अपलोड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो जो पहला जो हमारे पास मेथड है वो है स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं कथा कथन विधि। स्टोरी टेलिंग मेथड या कथा कथन विधि, इस विधि में जो है वो क्या करता है, अध्यापक जो है वो बच्चों के सामने जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जो सूफी संत हुए हैं, जो महान व्यक्तित्व हैं, उनकी जो कहानियां रोचक ढंग से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेता है, उनको उनको देखकर मोटिवेट होता है, साथ के साथ क्या होता है उनके जैसे जो गुण है उसके अंदर भी विकसित होते हैं और वो प्रयास करता है कि मैं उनकी तरह बन पाऊँ। तो ये इस टीचिंग मेथड का फायदा होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो इस टीचिंग मेथड का प्रयोग जो है वो प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को जो इस मेथड के द्वारा जो टीचर जो है वो क्या करता है, उस स्टोरी के लगभग उस स्टोरी को उनके सामने जीवंत रूप से क्या करता है, प्रेजेंट करता है, यानी कि इतने इंटरेस्टिंग वे में उसको बताता है कि उसका एक एक जो पात्र है वो बच्चे के सामने एकदम लगे कि ये सामने ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो मेथड्स हैं इसके द्वारा क्या होता है, महापुरुषों की जो जीवनी है उसको और इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो बच्चों के सामने बताया जाता है और बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं, यानी कि मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करता है, ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग मेथड, कथा कथन विधि, ठीक है ना। जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास पाठ्य पुस्तक विधि या जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। पाठ्य पुस्तक विधि जो है टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है, अध्यापक जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो क्या करते हैं, बच्चों के सामने जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाता है या पढ़ता है और बच्चों को क्या करता है, उसको रिपीट करने के लिए कहता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं, टेक्स्ट बुक में देखते हुए चलते हैं, और बच्चों को क्या करता है जो टीचर होता है वो मौन पठन के लिए भी बीच बीच में कहता है। मौन पठन का मतलब होता है साइलेंट रीडिंग,
यानी कि मन के अंदर पढ़ना, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बोध क्षमता है, उसका विकास होता है। बच्चे जो है उनके अंदर जो है समझने की क्षमता विकसित होती है। तो जो ये पाठ्य पुस्तक मेथड है, इसका सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये होता है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल दिए होते हैं और जो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, वो साथ के साथ जो है वो बच्चा देखते हुए चलता है जब टीचर पाठ्य पुस्तक से हूबहू लेके चलता है, ठीक है ना। तो ये इसका फायदा होता है। और इस पाठ्य पुस्तक वाले मेथड को अगर बच्चा सीख जाता है तो फिर उसे किसी भी अन्य जो टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती है और वो क्या करता है, सेल्फ स्टडी करना सीख जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो ना तो ट्यूशन पढ़ते हैं ना वो किसी और से पढ़ते हैं, बल्कि वो खुद क्या करते हैं, किताब उठाते हैं और खुद किताब से ही एक एक चीज़ें खुद ही पढ़ना सीख जाते हैं। तो वो क्या होता है, टेक्स्ट बुक मेथड के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट बुक मेथड। तीसरा जो हमारे पास टीचिंग मेथड है वो है वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा परंपरागत मेथड, जो है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, ठीक है। इस मेथड लेक्चर मेथड जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर मेथड को का मतलब होता है, इस मेथड के अंदर टीचर का काम होता है कि वो क्या करे, पूरे अपने एक व्याख्यान को तैयार करे, उसके सभी बिंदुओं को याद करे और उनके बाद उसको बच्चे के सामने प्रस्तुत करे। तो इस मेथड का प्रयोग जो है वो क्या होता है, हायर लेवल पर, यानी कि हाई स्कूल के ऊपर, यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इसका प्रयोग होता है, यानी कि 11th 12th। छोटे लेवल पर इसका प्रयोग जो है वो करना उचित नहीं माना जाता है, या कम से कम इसका प्रयोग करना चाहिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर, क्योंकि जो बच्चे हैं वो व्याख्यान विधि से क्या करते हैं, उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक स्तर उस लेवल पर अभी नहीं होता है। व्याख्यान विधि में क्या होता है कि टीचर का काम होता है कि वो बीच बीच में क्या करे, बच्चों से प्रश्न भी करता रहे, है ना। पता चला कि आप व्याख्यान देते जा रहे हैं और बच्चे बीच में सो गए तो उसका भी कोई अर्थ फिर नहीं रह जाता है। तो व्याख्यान विधि में ये जरूरी होता है कि बीच बीच में बच्चे से प्रश्न होता रहे, ताकि बच्चे जो है वो आपस में टू वे इंटरेक्शन हो, ऐसा ना हो कि वन वे सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ये परंपरागत विधि है और सबसे ज्यादा प्रयोग में ये ही लाई जाती है ना। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास विधि है वो है पाठ प्रदर्शन विधि, या जिसको हम कहते हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड। पाठ प्रदर्शन विधि या डेमोस्ट्रेशन मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि जो टीचर होता है उसको क्या करना होता है, पाठ्यचर्या या जो सिलेबस होता है के सभी क्रियाओं का प्रदर्शन करके दिखाना होता है, प्रदर्शन करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। इस ये जो है वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि शिक्षण के सिद्धांत उसके अनुरूप है, क्योंकि जब डेमोस्ट्रेशन के द्वारा प्रत्येक जो पाठ के अंदर क्रिया दी गई है वो टीचर स्वयं जो है वो बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये उनके लिए क्या हो जाता है, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि उनके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है ये विधि। और ये जो पाठ प्रदर्शन यानी कि डेमोस्ट्रेशन मेथड है, ये जो विज्ञान के विषय हैं जितने भी, उनको पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास पाठ प्रदर्शन विधि या डेमोस्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है
अनुवर्ग, अनुवर्ग शिक्षण विधि जिसको हम कहते हैं ट्यूटोरियल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, बच्चों को छोटे छोटे अनुवर्ग में बांट दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अनुवर्ग छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो उस प्रकार से बना के बच्चों को बांट दिया जाता है, और प्रत्येक जो ग्रुप है उसकी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली जो है वो टीचर देखता है। लेकिन जो अनुवर्ग जो बनाए जाते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि क्या हो, सारे जो है वो जो थोड़ा कम स्तर के बच्चे हैं वो एक साथ चले जाएं या सारे तेज बच्चे एक साथ चले जाएं। ऐसा इस प्रकार से अनुवर्ग बनाए जाते हैं कि प्रत्येक जो वर्ग हैं वो उसमें सारे प्रकार के जो बच्चे हैं वो हों, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सारे तेज बच्चे एक साथ कर दिए, सारे गधे एक साथ भर दिए, तो उससे क्या होगा कि बच्चों का मोराल और डाउन हो जाएगा। तो इस अनुवर्ग जो विधि है इसमें क्या होता है, जो बच्चे आपस में जो है वो जो कुछ कम आईक्यू वाले बच्चे हैं और जो तेज बच्चे हैं उन सबको आपस में मिक्स करके छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं, और उन सारे जो ग्रुप्स हैं उनमें जो है इंडिविजुअली ताकि क्या करे टीचर जो है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इससे एक तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है वो भय भी खत्म होता है कि वो बच्चा तेज है, उनके अंदर जो इनफीरियोरिटी वाली भावना है वो खत्म होती है, और साथ ही साथ जब वो अच्छे बच्चों के साथ रहते हैं तो उनको भी सीखने का मौका मिलता है, उनका सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये इस विधि का फायदा होता है, अनुवर्ग शिक्षण या ट्यूटोरियल मेथड्स, और टीचर भी इंडिविजुअली प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्यूटोरियल मेथड, अनुवर्ग शिक्षण विधि। नेक्स्ट जो हमारे पास है विधि वो है, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, वो है प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चनायर क्वेश्चनिंग मेथड। तो इस विधि के जन्मदाता मैंने बताया था कि कौन है, सुकरात। सुकरात जो कि एक सक्रेटिस के नाम से भी जाना जाता है इनको इंग्लिश में, पुराने यूनानी दार्शनिक हैं। तो सुकरात ने जो है वो प्रश्नोत्तर विधि को ईजाद किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो बच्चा है या जो आत्मा होती है वो ज्ञान से परिपूर्ण ऑलरेडी होती है, और बच्चे के अंदर वो ज्ञान ऑलरेडी होता है, लेकिन टीचर का काम है कि क्या करे, प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चे के अवचेतन मन में जो वो ज्ञान भरा हुआ है उसको चेतन मन में वो लेकर आए, यानी कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसके ज्ञान को जागृत करे, उसके आत्मा से उस ज्ञान को बाहर निकाले। तो ये प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चनिंग मेथड में कहा गया है, किसके द्वारा, सुकरात के द्वारा। तो ये जो टेक्निक होते हैं प्रश्नोत्तर, ये क्या होती है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करती है, और साथ के साथ बच्चों के अंदर जो हिचक होती है या हेजिटेशन, या हिचक एक ही बात है, तो वो जो भावना होती है कि कुछ बच्चे होते हैं वो दब्बू किस्म के होते हैं, वो बिल्कुल भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्लास में, लेकिन जब क्वेश्चन प्रश्नोत्तर विधि से लगातार जो है वो टीचिंग होती है तो उससे प्रत्येक बच्चा जो है वो अपने प्रश्न को उठाने में सक्षम होता है। लेकिन साथ के साथ टीचर का भी ये होता है कि वो क्या करे, बच्चे का मोराल भी बनाए रखे, यानी कि उसको जैसे प्रश्न की बात क्या करे, पुनर्बलन की जरूरत होती है, पुनर्बलन, पुनर्बलन यानी कि री इन्फोर्समेंट। बच्चा जिस प्रकार का भी आंसर दे, अगर टीचर उसे हर प्रकार के परफेक्ट आंसर की उम्मीद करेगा तो वो कभी भी नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का जो आंसर है उसे मिलता है और उसके बाद उसको अच्छा जो है वो रीइन्फोर्समेंट टीचर के द्वारा दिया जाता है कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, अच्छा किया तुमने, अच्छा बोला, इस तरीके का जो रीइन्फोर्समेंट दिया जाता है, तो उससे क्या होते हैं बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अगली बार वो और अच्छे बढ़ चढ़ कर जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चनिंग मेथड का एक अच्छा, मतलब क्या कह सकते हैं, इसका एक अच्छा यूज है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है परिचर्चा, परिचर्चा विधि
या डिस्कस मेथड। परिचर्चा या डिस्कस मेथड, इसमें क्या होता है, परिचर्चा होती है या तो छात्र वो शिक्षक के बीच में या शिक्षक सॉरी या छात्र वर्सेस छात्र, यानी कि छात्रों या शिक्षकों के बीच में आपस में भी डिस्कशन किसी मुद्दे पर होता है या छात्रों का आपस में भी एक दूसरे से जो है डिस्कशन होता है। तो इस विधि से क्या होता है कि छात्रों के जैसे अलग अलग किसी भी मुद्दे पर एक डिस्कशन होता है, एक डिबेट होती है, एक अच्छी परिचर्चा होती है, तो उससे छात्रों के अंदर एक तो हेजिटेशन खत्म होती है, दूसरा उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ठीक है, कोई भी जो है वो सामने आकर अपने बात को रखता है, और उनके अंदर तीसरी एक इंपॉर्टेंट गुण जो है वो विकास होता है, वो है तार्किक चिंतन। यानी कि वो क्या करेंगे, हर बात के पीछे जो है वो एक तर्क देंगे, लॉजिक देंगे, तो उससे उनका उनके जो तार्किक चिंतन होता है, उनका लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग की पावर है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये डिस्कशन का वो होता है, एक अच्छा परिणाम होता है। और डिस्कशन के टाइम पर जो है वो बच्चे एक दूसरे की खुलकर आलोचना भी करते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक क्या होती है, एक आलोचना को झेलने के लिए जो पावर होती है, जिसको कहते हैं सहनशीलता, वो भी विकसित होती है, और वो बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो कि क्या नहीं होते, क्योंकि मनुष्य एक सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन कुछ माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को और बच्चों से बिल्कुल अलग रखते हैं, उनको उनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होने देते हैं, जिस कारण से वो बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा समाज के बीच में जाता है और छात्रों के बीच में जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, तब उसकी क्या होती है, उसको कई तरह की बातें सुनने को मिलती है, जिससे कि वो उन चीज़ों को झेलने के लायक अपने आप को बना पाता है और उसके अंदर सामाजिकता का गुण विकसित होता है। लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों को इस प्रकार के मौका नहीं मिल पाता है, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर एक प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी काम होता है आपका परिचर्चा मेथड के द्वारा, ये इससे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन अच्छा होता है और बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास परिचर्चा मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है अगला जो हमारे पास मेथड है वो है अन्वेषण विधि। इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, इस विधि को खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है, खोज विधि या अनुसंधान विधि। खोज विधि या अनुसंधान विधि। तो अन्वेषण विधि, इसका जो क्वेश्चन आता है वो कई बार डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या चीज है। ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि को ही ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। इस विधि में जो है वो टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने समस्या को उत्पन्न करता है, समस्या देता है या उत्पन्न करता है, और उस समस्या के समाधान तक बच्चे क्या करते हैं, खोज के द्वारा या ट्राई एंड एरर के द्वारा स्वयं ही पहुंचते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटि और प्रयास के द्वारा खुद समस्या के समाधान पहुंचते हैं। हालांकि समस्या के समाधान तक जो पहुंचने का एक रास्ता है वो शिक्षक के द्वारा ही बताया जाता है, उसको किस प्रकार से हिंट दी जाती है वो टीचर के द्वारा होती है, लेकिन अंततः जो निष्कर्ष पर पहुंचने का काम होता है वो छात्र का होता है, किसके द्वारा, खोज के द्वारा। और ये जो अन्वेषण विधि है ये ज़्यादातर रिसर्च में इस्तेमाल की जाती है, इसमें जो है वो परिकल्पना का भी निर्माण किया जाता है, परिकल्पना या जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, है ना, इसीलिए इसको वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है जिसके ऊपर कोई रिसर्च करने वाला काम करता है, कोई अनुसंधान करता है और फाइनली उसके बेस पर निष्कर्ष निकालता है। ठीक है,
तो इसीलिए इसको वैज्ञानिक विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, जिसमें कि बच्चे को समस्या के समाधान दी जाती है, समस्या प्रॉब्लम को दी जाती है और वो उसको खोज के द्वारा जो है स्वयं उसका समाधान निकालता है। ठीक है, तो ये है हमारा अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो है वो है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट जो मेथड है वो क्या होता है, छात्रों को जो है वो ग्रुप में दिया जाता है और वो किस लिए दिया जाता है, वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो कि क्या हो, वास्तविक हो, कोई रियल इश्यू है और उसके उसका सामाजिक सरोकार हो, कुछ ना कुछ सोशल, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू हो या वो बच्चों के जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हो, उस प्रकार की किसी मुद्दे पर क्या दिया जाता है, परियोजना कार्य दिया जाता है। जैसे कि बच्चों को क्या दिया जाता है, अगर सपोज हमने दे दिया कि उनको भाई आप कोई रिसाइकलिंग का यंत्र बनाओ, तो ये रिसाइकलिंग करने का जो यंत्र बनाने के लिए हम बोलेंगे ये क्या होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पर्यावरण की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, आपस में जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो परियोजना पर काम करेंगे और वो रिसाइकलिंग के लिए कोई ना कोई प्लांट तैयार करेंगे, या कोई मॉडल ऐसा, कोई डैम का मॉडल बनाना है, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कोई ऐसा प्लांट जो कि सेव ट्रीज को, ट्रीज को सेव करने के लिए कुछ इस तरीके का प्लान, यानी कुछ भी इस प्रकार का सरोकार जो कि समाज के मुद्दों से जुड़ा हो, वो परियोजना विधि में दिया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड में दिया जाता है टीचर के द्वारा। और इससे क्या होता है, इसमें ये जो अन्वेषण विधि ह्यूरिस्टिक मेथड से इसी वे में डिफरेंट है कि इसमें क्या होता है, इस जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसमें इंडिविजुअली काम दिया जाता है, लेकिन जो परियोजना कार्य है वो ग्रुप में दिया जाता है, एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ काम करते हैं और प्रत्येक जो है वो एक, तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है वो सामूहिकता की भावना विकसित होती है, सामूहिकता की भावना विकसित होती है जब वो ग्रुप में काम करते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना और उनको उनसे सीखना वो उनके बीच में डेवलप होता है, सोशलाइजेशन भी बच्चे का होता है, तो ये परियोजना कार्य जो है परियोजना विधि के इम्पोर्टेंट फायदे होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास परियोजना विधि। ओहो, तो आज की जो लास्ट विधि मैं बताने वाला हूं वो है भूमिका निर्वाहन विधि। यह जिसको कहते हैं रोल प्लेइंग मेथड। इस विधि, इस शिक्षण विधि में क्या होता है, इस शिक्षक के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो है वो शिक्षक का रोल प्ले किया जाता है, या क्लास में जो और भी कुछ कोई ना कोई जो पाठ्यचर्या से संबंधित टॉपिक आता है, तो टॉपिक से संबंधित जो कोई ऐसा ऐसी चीज है जिस पर कि रोल प्ले हो सकता है, तो वहां पर क्या करते हैं, बच्चों को क्या होता है, पात्र बना दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर कोई स्टोरी इतिहास से संबंधित कोई चीज पढ़ाई जा रही है, उसमें अगर किसी चीज को बताने को स्टोरी बतानी है, तो बजाय कि उसको सीधे सीधे पढ़ा दिया जाए, उससे अगर कुछ बच्चों को लेकर और उनको अलग अलग पात्र उस कहानी का बना के और तब उसको समझाया जाए, तो वो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। तो जो भूमिका निर्वहन विधि है इसमें यही होता है, इसमें क्या होता है, कई बार जो है वो बच्चों से किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि बच्चा कोई जिसको वो टॉपिक समझाने के लिए दिया वो आगे जाएगा और बाकी जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, उस टाइम पर प्रेक्षक की भूमिका में होंगे, यानी कि ऑब्जर्वर की भूमिका में होंगे, और बाकी जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस प्रकार से जो है वो पढ़ा रहा है उस टॉपिक को, या उसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से उसमें है, ताकि
अब जब बाकी जब वो बच्चा आ जाएगा तो दूसरा बच्चा जाएगा, वो भी अपने तरीके से बताएगा। तो इससे क्या होता है, सारे जो बच्चे हैं उनके अंदर एक तो जो है अपने अभिव्यक्ति, उनके अंदर जो एक्सप्रेस करने की पावर है वो बढ़ती है, साथ के साथ उनके अंदर जो है वो उस भूमिका में जब वो पाते हैं अपने आप को टीचर की भूमिका में, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, हिजक उनकी ख़त्म होती है। तो ये होती है रोल प्लेइंग मेथड, जिसमें अलग अलग रोल बच्चे को दिया जाता है, या कोई भी इतिहास का टॉपिक, अकबर की कोई कहानी सुनानी है, कोई भी मुगलों की कहानी सुनानी है, या कोई भी टॉपिक जिसके अंदर ऐसा एक रोल बच्चे को दिया जा सकता है, तो वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 10 टीचिंग मेथड्स मैंने बताए। उसके अलावा भी जो बाकी टीचिंग मेथड्स हैं वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।